हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रैडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स ओपनिंग की कंसोलिडेटेड एंट्री को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करके कंपनी के मेन मेन्यू में एंटर होना है। हम यहाँ ऑलरेडी कंपनी के मेन मेन्यू में हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैडिक्स में अकाउंट्स की ओपनिंग एंट्री करने के लिए हमें यहाँ मास्टर्स में अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करना है। अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस का फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें अकाउंट टाइप में ऑल को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है शो। यहाँ अगर आपको वो अकाउंट्स चाहिए जिनमें बैलेंस हो तो आप हैविंग बैलेंस सिलेक्ट कीजिए। अगर जीरो बैलेंस वाले अकाउंट चाहिए तो जीरो बैलेंस सिलेक्ट कीजिए। अदरवाइज दोनों तरह के अकाउंट्स के लिए ऑल को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टाइप में हम कंसोलिडेटेड रखेंगे। यहाँ पे हम जैसे ही सब ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो सभी अकाउंट्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसमें से जिस अकाउंट में आपको बैलेंस एंटर करना है उसे सिलेक्ट कीजिए और उसका ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि हम यहाँ ले रहे हैं आहूजा सिल्क मिल्स, तो उसका ओपनिंग बैलेंस अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे 5000। नेक्स्ट है बालाजी टेक्सटाइल्स। हम यहाँ पे भी इसका अकाउंट ओपनिंग बैलेंस इस तरह से डाल देंगे। कंसोलिडेटेड ओपनिंग एंट्री में अगर ओपनिंग क्रेडिट में होती है तो आपको डायरेक्ट डाल देना है, और अगर डेबिट में होती है तो उसके आगे माइनस साइन लगा देनी है। आपने ओपनिंग बैलेंस अमाउंट डाल दिया तो इसका मतलब है कि एंट्री सेव हो गई है। यहाँ हमें कहीं भी अलग से सेव बटन पे क्लिक करना नहीं है। इस तरह से आप बाकी सभी अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस अमाउंट डाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप कर सकते हैं अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस की कंसोलिडेटेड एंट्री को। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।